अपडेट को स्वागत कर नजर पकड़ संपूर्ण खबर परिवार पुलिस बल परी बापा माँ को जोर जबरदस्त उठाई नहीं पुलिस धमक देवा छाड़ी पुलिस पुलिस एभली कार्यानुष्ठान को नहीं वर्तमान प्रश्न उठी कारण गोटे पटे न्याय संघर्ष करपटे बाहर बुलुंट अपराधी पुलिस पर सुरक्षा देवा बदल में उठाई नेरबों पर बल पुलिस प्रयोग करुच्ची तेज जहाँ को नहीं बर्तमान एक बड़ प्रश्न सृष्टि न्याय बदल परिवार को नाकेदम करुच्ची पुलिस एपरिकी परी बापा माँ को पुलिस कहीं उठाई नहीं पुलिस पाखे उत्तर ना घटना को नहीं एत चर्चा पर भी मंत्री अरुण साहू और गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रों निरवता को नहीं प्रश्न उठुची मामला को नहीं नयगढ़ एसपी प्रत्युष दिवाकर अधिक तत्परता देखाइबार आवश्यकता रही पूरी हाजत मृत्यु को नहीं बर्तमान हुलस्थुल हो राज्य गोटे पूरी में रही बेले अंटी घटना रही वीरमित्रपुर पुलिस हेफाजत में दुई दुईट अस्वाभाविक मृत्यु को नहीं सृष्टि पुलिस पिटीपिटी मारिदेवा घटना को निंदा कर भारतीय जनता पार्टी पूरी में हाजत मृत्यु को कला दिवस आख्या बीजेपी उभय स्थान में न्याय दाबी ने भुवनेश्वर जिला पक्ष भारतीय जनता पार्टी तरफ विरोध प्रदर्शन कर पुलिस हेफाजत में पूरी बासली साही थाना अंचल के रमेश नामक युवक मृत्यु अभियोग को नहीं गत काली पुरी सहर रे देखा दिथिला उत्तेजना एही घटना को नहीं पुरी रे मुहांमुही होइथिले पुलिस एवं पब्लिक विभिन्न महलर एक घटना को तीव्र निंदा करा जाइछि सेबले राउरकेला रे मध्य हाजत मृत्यु घटना को नहीं वीरमित्रपुर थाना रे प्रबल उत्तेजना देखा दिछि अपन सीधा सड़क दृश्य देखुं भुवनेश्वर में वर्तमान बीजेपी राजरास्ता को एवं बीजेपी आज राली करुच्ची जो भाई घटना गत काली पुरी में घटी पुरी में हाजत मृत्यु को नहीं गत काली से विक्षोभ प्रदर्शन कर संपर्कों सहित बीजेपी आज भुवनेश्वर में आपण सामन पूरा चित्र रही आप देखुं भुवनेश्वर में बीजेपी पक्षर आज राली कर गत काली घटना को पूरा निंदा कर दल देखुचे बीजेपी आज राज्य बीजेपी वर्तमान भुवनेश्वर में राली कर धारणा देखते जहां दाबी करुच्च गत काली हाजत मृत्यु घटना को नहीं से उच्चस्तरीय तदंत दाबी करुँच गत काली जो घटना थिला ताहा सहजरे ग्रहणीय नथिला जहां के रमेश नामक जड़े अभियुक्त को पुलिस हेफाजत में रखा समय पिटीपिटी मारी गत अभोग एक स्वीकार करते पूरी एसपी गत काली पूरी मुख्य जिलार जी मुख्य चिकित्सा रही सामने पूरा पब्लिक एवं पुलिस मान भितर गंडगोल परिस्थित गत काली उपजी और सीधा सड़क दृश्य आप देखुं गत काली एने आम खबर प्रसारण करूँ कि भाव में युव कांग्रेस आसी सामिल होते विक्षोभ में परिवार लोक थे संपर्क थे बीजेपी आसते बार आसोसीएसन वकिल संघ काली धारण में सामिल होते तापर जी देखा आज बीजेपी वर्तमान भुवनेश्वर में राली करुँ दल पक्षर जहाँ दाबी हो गत काली घटना सहजरे समाज पाई वर्तमान जनसाधारण ग्रहणीय नुहे जो कि उच्चस्तरीय तदंत दाबी कर वास्तविक पुलिस हेफाजत में थी बेले क्यों आधार कौन तक सहित घटना घटी जो मृत्यु है तदंत होबार आवश्यकता रही जी दोषी ताकू कठोर रु कठोर तापर कार्यानुष्ठान नेबार आवश्यकता रही जहाँ को वर्तमान दल दाबी करतमान जीवाई जावा संपर्कित अधिक तथ्य पाई आम सहित सीधा सड़क जोड़ी आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त जानवा को चाहिए वर्तमान दल रो मैंने वर्तमान सामिल होती राली एवं कौन दाबी रखुंट निश्चित भाव चिन्मय आप जो कथा कहले गत काली जोपर भाव दिन तमाम चर्चार विषय और चांचल्य सृष्टि करता समग्र राज्य में पूरी बासेली साई थाना रे पुलिस हेफाजत में जोपर भाव जड़े व्यक्ति मृत्यु घटला और द्वितीय कथा हूँ सुंदरगढ़ वीरमित्रपुर थाना में सामान घटना घटी और उभय घटना को लेकिन का जोपर भाव उत्तेजना परिस्थित उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होता साधारण लोक आरंभ करी जो मैंने मृत्यु होता पर लोक विभिन्न जो उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि करते उभय पुरी में वीरमित्रपुर विभिन्न राजनैतिक दल आम जी कह बी
बीजेपी पक्षर कांग्रेस पक्षर जो मैंने भी विरोधी दल रही पक्षर का पूरी में जोपर भाव जो धारणा दिगला और क्षतिपूरण दाबी करागला आज भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्ष दृश्य देखी पार्थे भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह नेतृत्व में जो शताधिक कर्मी से विक्षोभ करया दाबी कर जो मान मृत्यु घटी पर वीरमित्रपुर पुलिस हिफाजत दु जन व्यक्ति मृत्यु घटला कि पुलिस कहला जो अन्य कारण जो मृत्यु घटी असुस्थता थी यही घटना पर समग्र राज्य चंचल सृष्टि पुलिस कार्यकर्ता प्रश्नवाची सृष्टि विक्षोभ कर गोटे कथा देखु काली दुई दुईटी मृत्यु घटे पुलिस हिफाजत गोटे कथा पूरी में कहते से असुस्थता था पेलापेली तार मृत्यु घटू आमर कह कथा जदि तार देह असुस्थता था कि पेलापेली तार मृत्यु घटी ताले ताकु पोस्टमार्टम करा जाय थंदा एवं ता बॉडी की प्रॉपर्ली ता परिवार को हस्तांतर करा जाय थंदा वर्तमान प्रश्न उठुची साधारण लोक मन में जड़े लोक जदि पुलिस हाजत में मृत्यु घटू से दायी किए मुख्यमंत्री आज चुप कहीं यार गोटे उच्चस्तरीय तदंत हो दोषी की तुरंत दंड दि जाऊ नचे आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पूरा पूरपल्ली की नब गाँ गाँव में आंदोलन चलो अनेक समय देखा मिले जे पुलिस ये जो ये घटना गुड़िक पोस्टमार्टम जितेबाड़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय लग जाए क्योंकि सप्ताह समय लग जाए हटात पोस्टमार्टम करागला स्वर्गद्वार मृत्यु घटी शवदाह ओडिशा रा मुखिया वर्तमान निराश हो जाए वर्तमान ओडिशा मुखिया के नेतृत्व में सरकार चली नहीं फाइव टी सरकार चली अधिकारी माने मालिक हो सारे से हाजत में मृत्यु होती से परिवार को न्याय मिलूना शवधा ता पर अनुपस्थित करा जाऊँगा स्थिति कौन ओडिशा रे गोटे शांतिप्रिय जिला शांतिप्रिय ओडिशा समस्त जानते तुरंत उच्चस्तरीय तदंत करा जाऊ एसपी को से बहिष्कार करा जाऊ आईएसी को तुरंत ता विरुद्ध रे 302 दफा लागू करा जाऊ आईएसी विरुद्ध रे आईएसी को से पूरा पूरी बहिष्कार करा जाऊ एनएचआरसी आईन अनुसार जो ये घटना तदंत करा जिबो एवं कड़ा कार्यानुष्ठान जो मैंने दोषी देखु तदंत ता प्रक्रिय रे जिबो किंतु एथि तदंत ना रे बहुत अवहेला होउछि ये कथा विगत दिन आम देखी आसुचु कौन सी न्याय मिलूना तेणु ये भारतीय जनता पार्टी डिमांड करुच्ची तुरंत से एसपी को बदली करा जाऊ एवं आईएससी विरुद्ध में कार्यानुषान तुरंत लिया जाऊ न्याय शीघ्र मिल आशा कर आईआईसी को ऊपर कार्यानुषान निवं यार तुरंत तदंत कर जो मैंने भी दोषी अच्छे कार्यानुषान निमित किसी दाबी कर भुवनेश्वर जिला बीजेपी तथापि जो घटनाटी घटी वीरमित्रपुर कथा हो पुरी घटना हो ये निहाती भाव में पुलिस जो कार्यकारिता अच्छी जड़े जी अपराधी हूँ जहाँ को सन्देहजनक अवस्था भी से उठाई नौकर हिफाजत से सुरक्षा दायित्व से पुलिस हाथ में ही रोचे कितु ये पुलिस हिफाजत ही सेमानकर मृत्यु घटी जहाँ को लेकिन परिवार लोक तो जहाँ अशांति सृष्टि होता वर्तमान समग्र पुरी जिलार घटना वर्तमान राजधानी को आसी वीरमित्रपुर घटना राजधानी में ताकू नहीं कि आज भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्ष विक्षोभ कराऊँ जी प्रतिक्रिया आहरी ना आज कौन कहे ये जो घटना घटीगला जो घटना घटीगला वर्तमान समय रे जो एनएचआरसी तदंत डीजी निजे कहते किंतु जो 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 पुरी जिला रे जो बासेली साई थाना रे जो व्यक्ति जनक मृत्यु घटला तांकर जो फोटो आसी देह माड़ दाग रही बाड़े मार्च
ତାନାସାହି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏଠି କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅମଲା, ଏଠି ମାମଲତକାର, ଏଠି ପୁଲିସ ମାମଲତକାର। ପୁଲିସ ବାଡ଼େଇକିରି ମାଇଲେଣି, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏ କଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାବୁଛୁ ସେ କଥା ବି ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କି ବାଡ଼େଇକିରି ମାରିବେ? ସରକାର ଏଠି କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ IIC ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଠାରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଯାଏ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଚିନ୍ମୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାପ ତା ପୁଅକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମାନବ ଅଧିକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଜୁଲମ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲମ, ମାତ୍ରାଧିକ ଜୁଲମ ଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଜୀବନମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ତ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଗିଦ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ? ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦାୟୀ କିଏ ରହିଛି? ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଗିରଫ କରୁଛି ବା ଉଠାଇ ନେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପୋଲିସ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ରହୁଛି ତାହା ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଘଟଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ SP କଥା କହିବା, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIGଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଅଣାଗଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି ଭାବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା, ସେହି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଘାତ ଲାଗିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାସେଳିଶାଳି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେଉଁ ମୃତଦେହର ଯେଉଁ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମାଡ଼ ଦାଗ, ସେଥିରୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶବଦାହ କରାଗଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ମହିଳା ବିଜେପିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସେମାନେ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଏମିତି କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଘଟିଲା? ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଯିଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କଥା ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଏତେ ହତାଧିକର କରିବ, ମାନେ ହାଜତ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଏହାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ତାର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବନ୍ଦ କରୁଅଛି, ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଜି ଦାବି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ରହିଛି, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରହିଛି, ବ୍ୟାନର ରହିଛି, ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଏବଂ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ବିଧାୟକ, ବିଜେପିର 10 ଜଣ ବିଧାୟକ ସିଧା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ହେଲା ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ, ପୁରୀରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ମାଡ଼ ମାରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହଁ, ଗତକାଲିର ପୁରୀ ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଘଟଣା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ 2010 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାଜତରେ 43 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ 43ଟି ଘଟଣା ଯଦି 2010ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆଜି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉ, ବାସ୍ତବିକ ଏହା କ'ଣ ସରକାର ଦେଖିକି ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିଛି ଏ ଘଟଣାର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ଆଜି ଏ ଗୋଟିଏ ରାଲିରେ କ'ଣ ସରକାର ଚେତିଯିବେ କି?
निहाती भाव में आज जो कथ कहे बारंबार यूँ घटना आप कहले 2010 रु बर्तमान भितर 43 जनकर एपरी भाव पुलिस हिफाजत मृत्यु घटला हाजत मृत्यु कहु एटी आप प्रश्न उठाइले बारंबार एभली घटना घटू या नहीं कि असंतोष देखा दूसरी राज्य पर लोक और राजनैतिक स्तर में विभिन्न विक्षोभ कराली किंतु यार केमी पुनरावृत्ति न घटव से किपर भाव में गृह विभाग कार्य करने कथा अर्थात पुलिस विभाग एने के सजग होती बर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि कारण गत काली गोटे दिन में ही दुई दुईट घटना घटला नहीं कि जो तुम्बितोफान सृष्टि समग्र जो सुंदरगढ़ जिले में और पूरी जिले में आज से ही ताती भुवनेश्वर राजधानी देखा मिली विधानसभा भी से प्रसंग उठवा संभावना रही गत काली जेहेतु अनेक जो बीजेपी विधायक सेठार उपस्थित रही से दाबी उपस्थापन करते पर क्षतिपूरण ठार आरंभ करी जो मैंने भी पुलिसकर्मी एथेर दायी रही कड़ा कार्यानुष्ठान दाबी करते जहाँ आप कहले जदि पुलिस जन को गिरफ्त करुच्ची जन को उठाई नौची ता संदेह कारण उठा जाऊ सी से अभियुक्त था किंतु मानवाधिकार अनुसार किपर भाव ट्रीट कर आवश्यकता रही सुरक्षा ठार आरंभ कर खाद्यपेय स्वास्थ्य अवस्था तदारख कर पुलिस एटी दायित्व रोचे कि पुलिस एटी निज दायित्व भूलीगला भाई मन हो कारण पुलिस हिफाजत में दुई जनकर मृत्यु घटू कौन प्रकार जो गुड़ विनिमय कौन प्रकार आम कहीपर जे जो एनकाउंटर भाई परिस्थिति सृष्टि होना एटी गोटे पटे कहुई पुलिस पुलिस सहित धस्ताधस्ती भाई मृत्यु घटी पूरी घटना और वीरमित्रपुर घटना हेल्ला असुस्थता कारण मृत्यु घटला किरण किंतु पर पक्षर जहाँ सूचना दि जाए वीरमित्रपुर अंचल जो जहाँ मृत्यु घटी से जोबाला घर पुलिस नहीं गला स्वास्थ्य अवस्था संपूर्ण ठीक थिला एवं पूरी घटन जो फटोटी भाइराल हो फटोरे स्पष्ट देखा जाऊँगी तांको देह सारा माड़ चिन्ह रही जो विभत्स भाव माड़ मरा जा चिन्ह गुड़िक स्पष्ट भाव जना पड़ी तेणु माड़ मार जो ही मृत्यु घटी निश्चित भाव में प्रदीप्त केवल किए चिन्ह नुहे गत काली घटना पूरा ही बयान करता जेतबाला तांक मृत शरीर को परिवार को हस्तांतर करा जाय नथला एवं किछि समय पई बा तांक बाप मां को मध्य कोड़ी तांकर मध्य पता मिलु नथला ये घटना रु पूरा ही स्पष्ट होतला जे पुलिस कोठना कोठी षडयंत्र लुचाई षडयंत्र करूतला एवं निजर भूल को बा तो जहां निजर दोष त्रुटि को लुचाइबा पई एबली षडयंत्र रची चलीतला एवं मृत शरीर को परिवार को हस्तांतर कर नथला किंतु सबटो बड़ प्रश्न होची जेतबाले विरोधी दल वर्तमान घटना नहीं कि पुलिस कार्यकलाप नहीं वर्तमान दाबी करुछंती प्रकृत में वास्तविक शासक दल पुलिस को तागिद करू एवं गृहमंत्री तागिद करू पुलिस को बा पुलिस प्रशासन को उपयुक्त शिक्षा दिया जाऊ जे वास्तविक भाव ये घटना पुनर्वा न घटू एवं पुलिस तार क्षमतार अपव्यवहार न करू किंतु वास्तविक कथा होची एहा केते दूर संभव हो पार एवं ए घटनार पुनरावृत्ति घटव ना नहीं ये आगामी दिन में ही जना पड़ बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपंकर समस्त तथ्य एवं आलोचना पाई। अच्छा परवर्ती खबर को जगत सिंहपुर में धला जहर कारबार सदर थाना तरतंग गाँव में जगत सिंहपुर अबकारी विभाग चढ़ाऊ कर 300 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करने जन को गिरफ्त कर गिरफ चोरा व्यवसायी तोटापड़ा गांव प्रभात रंजन महापात्र से दीर्घ दिन है ब्राउन सुगार बिक्री कर आसुवा बेले आज अबकारी पुलिस ता घर उपर चढ़ाऊ कर ब्राउन सुगार सहित बैक एक बंधुक जबत कर जबत ब्राउन सुगार मूल्य प्राय 30 लाख टंका है जमापड़ी आम जो घर पाखे पहुँचे से मैडम से घर गोटे के टी एम रेसींग बैक धरी घर बाहरी से समय मैडम तक अटकैले अटकैला से बैक चेक कले पकेट रू बाहर ब्राउन सुगर 300 ग्राम ब्राउन सुगर जो थला। अनुगुल जिला समल पुलिस चोरा कोयला चलाण अभियोग ट्रक सह जन को गिरफ्त करी कोर्ट चलाण कर पुलिस पेट्रोलिंग कर फेरुवा समय समल टोलगेट्रु एक 12 टन चोरा कोयला बोझे गाड़ी को जबत करने ड्राइवर को गिरफ्त कर गिरफ ड्राइवर बिहार राज्य रायगढ़ जिलार संजीव कुमार बोली जमापड़ी एने समल पुलिस मामला रुजु कर अभियुक्त संजीव को कोर्ट चलाण कर समल थाना अधिकारिणी चारुलता बेहरा पक्षर जमापड़ी वर्तमान सीधा सड़क मोदी अभिभाषण ऊपर नजर पकाबा से समर्थन करते हैं।
मैं भूटान के लिए थर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं। एक्सलेंसीज, फ्रेंड्स, वैसे तो अच्छा होता कि अगर हम इस खुशी के अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के साथ में मिलकर के एक समारोह के स्वरूप में इस अवसर को मना पाते, लेकिन कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो एक तरह से यह उचित भी है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन इनिशिएटिव्स का उल्लास भी हम टेक्नोलॉजी की ही मदद से बना रहे हैं। भूटान की जनता और सरकार ने कोविड के संकट से निपटने में जो धैर्य और अनुशासन दिखाया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की मेरी तरफ से, 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से, मैं आप सब के लिए उत्तम स्वास्थ्य की और सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कठिन समय में हम भूटान के साथ खड़े हैं और आपकी आवश्यकताएं हमारे लिए सदैव उच्चतम प्राथमिकता रहेगी। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और रॉयल फैमिली के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हुए, ताशी देलक को इट रखो। नमस्कार।